एक बार की बात है, दो जंगली बत्तख और एक कछुआ जंगल के एक तालाब में रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार की गर्मी के मौसम में जंगल में भारी सूखा पड़ गया, इसके कारण तालाब सूखने लगा। अब ये तालाब हमारे रहने लायक नहीं रहा, चलो कोई और घर ढूंढते हैं। ऐसे एक बत्तख ने दूसरे से कहा। दूर कहीं एक नया तालाब ढूंढ लिया उन्होंने। फिर वो लोग अपने पुराने दोस्त कछुए को मिलने के लिए गए। कछुआ अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। दोनों बत्तख ने अपने नए तालाब की खूबसूरती की प्रशंसा की। कछुआ बेचारा रोने लगा और बोला, काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़कर वहां आ जा सकता। दोनों बत्तख ने जब कछुए की बात सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो अब अपने दोस्त को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। प्यारे दोस्त, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, उन्होंने कछुए से कहा। कछुए ने एक युक्ति लगाई। उसने कहा, अगर तुम दोनों अपने मुंह में एक लकड़ी के दोनों छोर पकड़ो तो मैं उसे बीच में से कस के अपने मुंह में पकड़ूंगा। इस तरह मैं तुम्हारे साथ नए घर में चल सकता हूँ। अच्छा उपाय है, बस तुम रास्ते में अपना मुंह मत खोलना वरना गिर जाओगे, ऐसा बत्तख ने कहा। कछुआ मान गया और वो हवा में उड़ने लगा। अपने बत्तख दोस्तों के साथ लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर, जैसे ही वो एक गांव के ऊपर से उड़ने लगे, वहां लोग खुशी से चिल्लाए, अरे देखो उड़ता हुआ कछुआ। कछुआ बड़ा उत्तेजित हुआ। उसने अपना मुंह खोला और वो गिर गया और उसका वहीं पर अंत हो गया। दोनों बत्तख अपने दोस्त को खोकर बहुत रोए। जब वो अपने नए घर वापस लौट रहे थे तो एक बत्तख ने दूसरे से कहा, बेचारा कछुआ, उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। कभी कभी बात ना करना फायदेमंद होता है। वो उड़कर नीचे गए उसे ढूंढने के लिए। खुशकिस्मती से वो घास के एक बड़े ढेर पर गिरा था। बत्तख अपने दोस्त कछुए को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए। अब तुम समझ गए होंगे कि मुंह कब बंद रखना चाहिए। कछुआ बात को समझ गया और शर्म से उसका सर झुक गया।